में, तो देखिएगा कुछ इम्पोर्टेंट सवाल किस तरीके से हैं। पहला सवाल दिया है मैं, एक दुकानदार 1 रुपए की 32 टॉफी बेचता है जिस पर उसे 40% का नुकसान होता है, इस तरीके से जा सकता है, या 1 रुपए की 32 टॉफी बेचने पर उसे 40% नुकसान होता है, वह 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचेगी उसे 20% का मुनाफा हो या 20% का लाभ हो। ये इस तरीके से क्वेश्चन बहुत लिखा जाता है कि 1 रुपए में कितने नींबू बेचता है, या 10 रुपए में कितने नींबू बेचता है, या संतरे बेचता है, या केले बेचता है। ये सवाल ये समझ लो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका आरपीएफ के लिए, क्वेश्चन तो आना ही आना है, 100% ध्यान रखना है इस बात की। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, सेकेंड राउंड में तुम इसको कर लोगे। तो सबसे पहले हम सवाल को सॉल्व करते हैं। आपको ये टॉपिक दे रखी है और रुपये दे रखे हैं, तो एक तरफ तो लिख लीजिए क्वांटिटी और एक तरफ लिख लीजिए रुपये। तो एक तरफ क्वांटिटी और एक तरफ लिख लीजिए रुपया। तो कितनी बेच रहा है इस बार, 32 टॉफी बेच रहा है, और कितने रुपए की बेच रहा है, 1 रुपए। तो रुपए के ऊपर लिखा हुआ है 32 टॉफी 1 रुपए में बेच रहा है। अब ध्यान से समझना यही है जो भी कुछ रखे यहाँ पर, देखो ये लगा लीजिए। सबसे पहले जो हो रहा है वो नीचे लेना है, जो दूसरी बार में वो ऊपर लेना है। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले उसे 40% का नुकसान हो रहा है। तो ये जो 40% का नुकसान है, 100 पैसे निकालो, 40% नुकसान बचा तो कितना बचा, 60 नुकसान। ध्यान रखना इसी बात को, ध्यान रख लेना 40% नुकसान है, 100 में से घटा दे 40, 60 हो गया। और उसे कितना लाभ कमाना है, 20% उसे लाभ कमाना है। 20% का मतलब कितना हो गया कि उसे 100 की जगह 120 कमाना, यानी कि 20% का लाभ हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर तुरंत मिल जाएगा। देखिएगा कैसे इसको हमने सॉल्व कर लिया, 0 से 0 कट गया और 6 दूनी 12, तो मतलब क्या हो गया, ये 32 बराबर 2, यानी कि उसे 20% लाभ कमाने के लिए 2 रुपए की 32 टॉफी बेचनी पड़ेगी। मतलब क्या, अब क्वेश्चन में ये पूछा है 1 रुपए की कितनी टॉफी बेचनी पड़ेगी, तो भाई ये 2 रुपए की 32 बेच रहा था, एक की कितनी बेचा है, एक यहाँ पे छोड़ो, तो ये 32 बटे कितना हो जाएगा, तो यानी इस 2 को नीचे ले आया, ये कट गया तो कितना आ गया, 16। तो 1 रुपये में वो कितनी टॉफी बेचेगा, 16। आगे बस मैं बहुत ही सेकंड टॉप कर लूँगा, आप मूल्यों का सवाल देखते हैं। तो अभी दूसरा सवाल ले लेते हैं, दूसरा सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार 1 रुपए में 12 संतरे बेचता है, तो उसे 20% का नुकसान होता है, यानी 20% की हानि होती है, वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचेगी उसे 20% का लाभ हो। बता भी समझ में, क्वेश्चन भी क्या कहा है, 1 रुपए में जब वह 12 बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है, यदि वह 1 रुपए में कितने संतरे बेच रहे कि उसे 20% का लाभ हो। तो हमने क्या बताया था, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, क्वांटिटी इधर लिखिएगा और QANTI क्वांटिटी हम रुपया इधर लिखिएगा, कितनी मात्रा है, 12 संतरे हैं और कितने रुपए की, 1 रुपए के 12 बेच रहा है, 1 रुपए के 12 बेच रहा है। अब यहां से आपका वही चीज पुरानी, नीचे क्या लेना है कि आपका नुकसान हुआ या पहली बार में लाभ हुआ, उसे नुकसान हो रहा है तो 20% का नुकसान हो रहा है, तो बोले तो 80 बचा। अब उसे कितना कवर, उसे कमाना है कितना, 100 पर 20% कमाना है, लाभ कमाना है, तो 100 पर 20% बोले तो 120 हो गया। अब इसको सॉल्व करो, यही आपका आंसर है। आप माइंड में ऐसे कैलकुलेट से बैठा लो, 100 में से 20% नुकसान, 80 ऊपर कितना हो गया, 20% लाभ, 120 अपना कर लीजिए, देखिएगा 0 से 0 कट गया। और देखो इस ये बराबर में समझ लीजिए, तो ये 12 से 12 कट गया, तो यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ पे कितना हो गया, 1/8, 8 इधर आ जाएगा, तो 8 बराबर 1, यानी 8 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो 8 हो गया। तो 1 रुपये में वो 8 संतरे बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा, समझना भी ना। एक बार फिर से देख लीजिए, 12 संतरे 1 रुपये में बेच रहा था तो उसे 20% का नुकसान हो रहा था, वो कितने रुपये, 1 रुपये कितने संतरे बेचेगी उसे 20% का लाभ। पहले देखो नुकसान हो रहा है, तो 100 में से 20% गया तो 80 बचा, 20% उसको कमाना है, 100 में 20 जोड़े तो 120 हो गया। इसको सॉल्व कर लिया तो 0 से 0 कट गया, ऊपर 12/8 बचा, 12 से ये 12 कट गया, बचा 1/8 बचा, और 8 इधर आ गया, तो 1 रुपये में 1 हो गया।
क्लियर है। अगला क्वेश्चन पा जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार 40 रुपए के 45 संतरे बेचता है, एक दुकानदार 40 रुपए के 45 संतरे बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है, नुकसान होता है, वह 24 रुपए में कितने संतरे बेचे कि 20% का लाभ हो। तो 20% वो लाभ कमाना चाहता है तो कैसे बेचे। तो हमने क्या बताया कि क्वांटिटी एक तरफ और रुपया एक तरफ। क्वांटिटी कितनी है, 45 संतरे 40 रुपए के बेच रहा है, 45 संतरे हैं और कितने की बेच रहा है, 45 रुपए, 45 संतरे कितने के बेच रहा है, 40 रुपए, 45 संतरे 40 रुपए के बेच रहा है। अब हमने क्या बताई थी कि जो भी नुकसान है तो पहले नीचे आएगा, 20% का नुकसान कम, घाटा किया उसने तो 80 बचा, अब 20% वो लाभ कमाना चाहता है तो 120। क्लियर है बात। अब देखिएगा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 10 से 10 कट गया और 4 से काट दिए, 4 दाएं 40 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया और 2 से ये फिर कट गया, 2 पंजे 10, अब ये कितना बचा, ये इधर 45 हो गया, इधर 5 × 12 बचा। अब देखिएगा इसका मतलब ये है कि 12% उसे लाभ कमाना है तो 12 × 60 रुपये में 45 लीट बेचेगा। क्लियर है। पर हमें तो ये आपको ये खास बात कही है कि उसको 24 रुपये में करना है, 24 रुपये में करोगे कैसे, यहाँ पर इस सारी क्वांटिटी को इधर ले आओगे नीचे तो 5 × 12 हो जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, और हमें 1 रुपये में कितने लीट बेचेगा तो 20% लाभ, हमें तो 24 चाहिए तो यहाँ पर भी 24 की गुणा कर दीजिए और इधर भी 24 की कर दीजिए, हम इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो गया, 12 × 24 5 × 45 तो 9 × 18 24 रुपये में बेचेगा वो तो उसको 20% का लाभ होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एक दुकानदार कुछ नींबू 1 रुपये के 25 की दर से खरीदता है, वह 1 रुपये की 30 दर से बेचे कि उसे 25% लाभ हो। नहीं तो देखिएगा हमने पहले बता दें क्वांटिटी एक तरफ और रुपया एक तरफ, कैसे खरीदे थे उसने 25 नींबू खरीदे और कितने की दर से 1 रुपये की, 25 नींबू 1 रुपये से खरीदे। अब हमने क्या बताया था पहले से क्या हो रहा है, नुकसान या लाभ, इसमें कुछ भी नहीं दे रखा है, कुछ भी नहीं है तो हमने 100 का 100 रहने दिया क्योंकि 100 पे तो करते हैं भाई, 100 पे जब नुकसान होता है तो घटा देंगे और यदि फायदा होगा जोड़ देंगे। अब हमें नहीं पता दे नहीं रखा क्या हो रहा था, 100 पे 100 रहने दिया, अब उससे क्या कहिए 25% लाभ कमाना है, 25% लाभ बोलो 100 में 25 जोड़े 125, इसको सॉल्व कर लो ये इधर हो गए तो देखिएगा कैसे, 25 से काट दो 25 × 125 और 25 × 100 ये हो गया। अब देखो जरा यहाँ पर 1 रुपये चाहिए तो ये 4 इधर हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा तो 25 × 4/5 = 1 क्योंकि 4 ऊपर और 5 नीचे। अब देखिएगा 25 × 5 = 20, 1 रुपये को कितने बेचे 20 बेचेगा तो उसको 25% का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी 1 रुपये में 12 संतरे खरीदता है और उसे 20% का नुकसान होता है तो 12 संतरों का मूल्य बताओ। पासवान मामले कुछ बेचीदा सवाल लग रहा है, कुछ नहीं बहुत ही इजी संतरे, क्या है क्वांटिटी इधर रुपया, क्वांटिटी कितनी है 12 संतरे कितने में 1 रुपये में। अब हमने क्या बताया था पहले से क्या हो रहा है वो नीचे ले लो, पहले से 20% का नुकसान बोले तो 80, अब दूसरी बार में उसे कुछ नहीं दे रखा यानी कि ना तो लाभ कमाना ना संतरे का मूल्य पूछा, अब नहीं पता है तो हमें क्या मान लेना है ना भाई 100 ना तो उसे नहीं पता अगर दूसरी बार भी आगे हो गया ना नहीं पता दूसरी बार भी नुकसान होगा, हमें 100 के 100 रख दिया बस यही 100 कर लेना, 0 से 0 कट गया तो 12 बराबर कितना आ गया 10/8। क्लियर है बात, और 8 में इसका भाग करो तो 1.25 आ गया इतना रुपये, यानी कि 12 संतरों का मूल्य कितना हो जाएगा 1.2 रुपया 2.5 रुपये ये हो गया।